आया है उसको अतिथि कहते हैं। तीन लोगों को भोजन कराना जिसको बहुत विशेष माना गया है, तीन से चार लोग हैं। एक तो जिसके माता पिता का देहावसान हो गया है और बेचारा बिल्कुल अनाथ हो गया है, ऐसे बच्चों को पालना, उनको जिमाना, साक्षात भगवान को भोग लगाने के बराबर, भगवान को भोजन कराने के ही बराबर है। जो कभी आपके यहाँ आया नहीं, जिसको तुम जानते भी नहीं है, वो आपके यहाँ आया, उसको अतिथि के रूप में जाना जाता है। उसको भोजन कराने से ईश्वर बहुत संतुष्ट होता है। तीसरी बात बताइए, जो ब्राह्मण विद्या अध्ययन रत है, ब्रह्मचारी है, उसको भोजन कराने से ईश्वर बहुत तृप्त होते हैं। और चौथी बात बताई गई है, ऐसा ब्राह्मण जो व्रती है, व्रती है ऐसा ब्राह्मण जो व्रती है, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। वो ईश्वर के रूप में अन्न जल देने से संपूर्ण धरती को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसी महिमा का वर्णन किया गया है। आने वाले लोगों को पहले जल, देखो यहाँ वर्णन किया गया, जो आपके यहाँ आता है सीधे भोजन नहीं, महात्मा पराशर कहते हैं आपके यहाँ जो भी कोई आया है पहले उसको जल दें, फिर अन्न दें और फिर जल दें। पहले उसे पानी, जल दें, फिर उसको अन्न दें, फिर उसको जल दें। ऐसा करने से अन्न मेरु तुल्य और जल समुद्र तुल्य बराबर हो जाता है। मेरु तुल्य सुमेरु पहाड़ को दान में देने से जितना फल है, सागर का दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, इन चार लोगों को भोजन कराने से, जल पिलाने से इतनी बड़ी महिमा कही गई है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिसके माता पिता ने, जो अनाथ हो गया है, उसको भोजन देने से, जो ब्रह्मचारी है विद्या अध्ययन रत है उसको भोजन देने से, और जो दरवाजे पर अतिथि बन करके आया है उसको भोजन देने से, जो ब्राह्मण एक व्रती होकर के अपना जीवन जी रहा है उसको भोजन देने से, आपका यह भोजन सुमेरु पहाड़ के बराबर और आपका जल समुद्र के बराबर हो जाता है, ऐसा महात्मा पाराशर कहते हैं। कहते हैं कि उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। वर्णन किया गया, दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण जनों को, जिन्होंने कभी भोजन नहीं दिया, दरवाजे पर आने वाले गरीब दीन दुखियारों को, जिन्होंने कभी भोजन नहीं दिया, उनके सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं उनका, और वह अंत में, अंत तक वो अपवित्र हो जाते हैं जो बिना किसी को जमाए हुए भोजन करते हैं। महात्मा पराशर कहते हैं उनका अन्न मल और उनके घर का जल मूत्र के बराबर हो जाता है। घर की रसोई की सुस्ता पवित्रता तभी है जब वह दीन दुखियारों को, गरीबों को, अनाथों के काम में आपकी रोटियां आवे। भगवान व्यास ने महात्माओं के सहित यह पूछा था कि कलकाल में जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, तो कितनी सुंदर बात कही है। स्वयं भगवान महादेव ने एक बात कही है, उसको भूलना मत कभी, और जो आज ही मैंने आपके बीच में बोली है वो यह है कि सतयुग में मनुष्य स्मृति पढ़कर लोगों का कल्याण होता, त्रेता में गौतम स्मृति पढ़कर लोगों का कल्याण होता, द्वापर में संक लिखित स्मृति पढ़कर लोगों का कल्याण होता, इस कलकाल में जो पाराशर स्मृति के ऊपर चलकर जीवन जिएंगे उनका कल्याण हो जाएगा, उनका पतन नहीं होगा, ऐसा वर्णन किया गया। भैया इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ की है, इसलिए श्लोक बोले देता हूं फिर। कृते तु मानवा धर्म त्रेतायां गौतम स्मृता द्वापुरे संख लिखिता कलौ पाराशर स्मृता। कृते तु मानवा धर्म त्रेतायां गौतमे स्मृता। कलयुग में मनुष्य स्मृति, त्रेता में गौतम स्मृति, द्वापुर में संख लिखित स्मृति, और कलयुग में पराशर स्मृति के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, यदि उसके ऊपर हम चल लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। तो ये आप जो सुन रहे हैं वो बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि आपका अन्न दूसरों के काम में आवे, जिनका अन्न कभी भी याचक और यतियों के काम नहीं आया, भूखों के काम नहीं आया, उस घर का अन्न मल के बराबर
और उस घर का जल मूत्र के बराबर हो जाता है। ना देवी देवता स्वीकार करते हैं, ना पुरखे स्वीकार करते हैं उसको, और वो जीवने और वो खाने के लायक है ही नहीं। ऐसा श्री महात्मा पाराशर अपनी स्मृति में इस बात की विवेचना करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।